हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार और जूसी लड्डू बनाएंगे। बहुत ही कम घी में लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, स्वाद में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान। तो आप इस लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक कप चना दाल लेंगे। चना दाल को हम 6 से 8 घंटा या ओवरनाइट सोक करेंगे। दाल से बने लड्डू और बेसन के लड्डू दोनों का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, तो आप दाल से बने इस लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दाल को हमने 8 घंटा पानी में सोक कर लिया है। अब हम दाल को अच्छे से धोकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। दाल को हमें बिना पानी के पीसना है। दाल को अब हम मिक्सी जार में डालेंगे और हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाएंगे और बीच में एक बार मिक्स कर देंगे। तो हमने दाल को इस प्रकार से पीस लिया है, हमने इसे हल्का सा दरदरा रखा है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को अब हम 2 मिनट तक इस प्रकार से मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी फेंट सकते हैं, फेंटने से दाल थोड़ी हल्की हो जाएगी। 2 मिनट दाल को हमने फेंट लिया है। अब हम दाल के छोटे छोटे वड़े बनाकर घी में फ्राई करेंगे। तो घी को हमने मीडियम गरम कर लिया है। तो इस प्रकार से हम दाल के छोटे छोटे वड़े बनाएंगे और उसे घी में फ्राई करेंगे। तो एक बार में उतने ही वड़े डालें कि आसानी से फ्राई हो सके। वड़ों को हमें लो फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो वड़े जब फूल कर ऊपर आ जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे। तो इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक वड़ों को हमें फ्राई करना है। तो वड़ों पर अच्छा सा गोल्डन कलर दिख रहा है, तो अब हम वड़ों को निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के वड़ों को बनाकर तैयार करेंगे। वड़ों को हमें घी में ही फ्राई करना है, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सारे वड़ों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत कम घी इन्हें फ्राई करने में लगता है। तो अब हम वड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल फूले फूले वड़े बनकर तैयार हुए हैं। सारे वड़ों को तोड़ने के बाद अब हम इन्हें पीसेंगे। तो वड़ों को भी पीसते समय हमें मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाएंगे और बीच में हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें दरदरा रखते हुए इसे पीसना है। एक साथ मिक्सी को चलाएंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा और लड्डू दानेदार नहीं बनेंगे। तो हमें इसे इस प्रकार से पीस कर तैयार करना है। तो बाकी का जो बचा है उसे भी इसी प्रकार से पीस लेंगे। तो सभी को पीसने के बाद अब हम इसे मोटी चलनी से छान लेंगे। छानने के बाद जो भी मोटा मोटा बचे उसे एक बार फिर से पीस लें और फिर से उसे छान लें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दानेदार खिला खिला लड्डू के लिए मिश्रण बनकर तैयार है, और वो भी बहुत कम घी में। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। पैन में डालेंगे 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी। चीनी को घुलने तक लगातार चलाते रहेंगे। इसकी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, केवल हल्की सी चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। कलर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी जगह कुछ केसर की पत्तियां भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 ड्रॉप नींबू का रस, इसके डालने से चाशनी जमेगी नहीं। चीनी के घुलने के बाद 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है चाशनी को बनने में। तो हम अब चाशनी को चेक करेंगे। चाशनी चिपचिपी तेल के जैसे चिकनी लग रही है, तो इसे अब हम अलग रख देंगे। इससे ज़्यादा चाशनी को हमें नहीं पकाना है। अब हमने जिस कढ़ाई में वड़ों को फ्राई किया था उसमें से हम 2 चम्मच घी को छोड़कर बाकी के घी को अलग निकाल देंगे, और अब हम इसमें मिश्रण डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। इस प्रकार से भूनने से इसमें जो भी कच्चापन होगा वो चला जाएगा और लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे।
तो लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इससे लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें मगज के बीज भी डाल सकते हैं। तो 6 से 7 मिनट हमने इसे भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें चाशनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। जैसे ही चाशनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मिश्रण अच्छे से चाशनी को सोख लेगा और मिश्रण थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद ये हल्का गर्म है और हमें हल्के गर्म में ही लड्डू बनाना है। तो लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम घी में बहुत ही आसान तरीके से दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इन लड्डू को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये लड्डू आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।